यह सत्यार्थ प्रकाश रचना कक्ष यहाँ लिखी हुई थी। ये वाला कमरा था ना, अच्छा ये कमरा यहाँ पूरी ये है जी सज्जन निवास। नौलखा महल इधर है, सवर मधुर ध्वनि वादी यंत्र बहुत बढ़िया। और मैं ले रहा हूँ छतरी, ये देखो गुरुदेव जी ने छतरी दे दी है मेरे तो। अरे सत्यनारायण है ना, चक्कर में है, छतरी मेरे तो दे दे। सत्यनारायण छोरा बहुत बढ़िया भाई, अरे एक एक चीज ने बारीकी से देखता चल रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ कुछ दिन ठहरे थे। ओम स्वामी तत्वबोध द्वार है। देखो अंदर ऋषि समृति में महाराणा सज्जन सिंह प्रदत्त श्रद्धांजलि। चलो जी वाह जी वाह, ऐतिहासिक जगह। ये है जी यज्ञशाला, स्वामी जी ने सत्य प्रकाश लिख दिया। चित्र बहुत बढ़िया लगा रखे हैं, फ्रेम व्रेम में करके कैनवस पर निकाल रखे हैं ये। जी गुरुदेव जी कैसा लगा गुरुदेव जी आके? बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जो चित्र लगा रखे हैं ऐसा होगा जैसे स्वामी स्वामी दयानंद जी की जीवनी यहाँ पर दिखा रखी है। भवन व्यवस्था बहुत बढ़िया कर रखी है, बहुत बढ़िया गैलरी बना रखी है। मेवाड़ राज्य की मुद्राएं वृतानंद जी, कौन से स्वामी जी? ये रे जिनके गुरुकुल में हम गए थे, स्वामी वृतानंद जी ये हैं। ये रे स्वाध्याय स्वतंत्रानंद जी, स्वामी स्वतंत्रानंद जी दिखा रखे
चेतक स्वामी जी तलवार तोड़ने दी है कुछ भी। अच्छा जी दिखाओ। हाँ है। मैं तो लोगों को कैद से छुड़ाने आया हूँ। अरे समाज के चमकते सितारे। संतिहत्तर में दसवीं। इनको पढ़ कर। अच्छा जी पुराने पढ़े लिखे हो आप। भारत के महान सपूत देखो गुरु दत्त ने भी अपना लिख रखा है जी। अच्छा जी मैंने इतनी बार पढ़िया। चलो नहीं इधर भी तो है। हाँ हाँ चलो ना। रक्त साक्षी पंडित लेखराम पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी स्वामी सरदानंद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल लाला लाजपत राय महात्मा हंसराज जी यह सत्यार्थ प्रकाश रचना कक्ष यहाँ लिखी हुई थी। अच्छा ये कमरा पुस्तक यहाँ पूरी करके गए जहाँ पे ये चल रहा है का यादगिरी की मतलब यहीं बैठ कर पूरा किया था। ये कमरा था पूरा ये कमरा। अच्छा 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 इसमें पूर्ण किया था सत्यार्थ प्रकाश। ये बरामदे थे ये बरामदा था वो बरामदा था ये बरामदा था ये कमरा था ये कमरा था वो बरामदे थे। ना ये नदी में बहते आए थे उसका चीरा फाड़ी करके देखी थी क्या फिर देखा तो कुछ ना मामला। कैसा स्थान लगा स्वामी जी? बढ़िया व्यवस्था है स्वामी जी बहुत बढ़िया। ओह ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। वाह जी वाह। अच्छा ये सत्यार्थ प्रकाश के कुछ पेज हैं इस पे? हर भाषा की सत्यार्थ प्रकाश है इसमें। हर भाषा की? हर भाषा की। अच्छा जी हर भाषा की है। उर्दू हर भाषा में लिखी हुई है नेपाली में भी है हिंदी में भी है इंग्लिश में भी संस्कृत में भी है उर्दू में भी है तमिल में भी है। वाह भाई वाह बहुत बढ़िया। आप यहाँ कितने दिन से हो? कितने दिन से हो आप यहाँ? 30 वर्ष। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण जी। वाह जी वाह बहुत बढ़िया। चलो स्वामी जी किसान और परिश्रम करने वाले ही राजा हैं। ये लिखा जी देखो की किसान और परिश्रम करने वाले ही राजा हैं। पर किसान का मतलब वो है जो धरती में जहर डालकर खेती नहीं करता हो ऑर्गेनिक गौ आधारित बैलों के द्वारा जो खेती करता किसान वो है पर जो खेती में जहर डाल डाल कर सत्यानाश करने लाग रहे हैं धरती का पृथ्वी का जहरीली करने लाग रहे हैं वे किसान नहीं। हाँ जी महावीर जी कैसा लगा? बढ़िया लगा ना। हाँ देखने की थी तो वाह जी वाह।
रक्षा का अधिकार किनको हो? राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वे धार्मिक सुप्रिक्षित विद्वान कुलीन हो। सत्या पृष्ठ संख्या 156। अब हम पूरी देख रही है गैलरी, यहाँ से अब हम निकलते हैं आगे। बारिश अगर नहीं पाए तो उदयपुर को देखेंगे। ये कमरा होया था जहाँ स्वामी जी बैठ कर सत्या प्रकाश लिखा करते। अब उन्हीं की स्मृति में याद में ये इसको रेलिंग से कवर करके और इस पर पूरा ये लिख दिया है। उन्होंने क्या कब लिखा, बोला, बताया, जनता के लिए क्या संदेश थे। ताने कोई धर्मावलंबी अपने मत की सेखी नहीं मार सकता, वीर सावर। अब चलते हैं जी बाहर। चलो स्वामी जी, आपको वीडियो में कैसी दिखाई गई है? बहुत मन को सुकून मिला, इतने अच्छे चित्र लगा के जैसा हमने सुना था, बहुत अच्छा चित्रण। और ये स्थान आर्य समाज के लिए तीर्थ स्थल है, सबको यहाँ आना चाहिए और एक बार ये चीज़ देखकर जानी चाहिए ताकि पता चले कि ऋषि दयानंद ने समाज के लिए क्या क्या किया। मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा, इसका एक अलग से वीडियो बनाकर डालेंगे स्पेशल, उसको आप ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सभी का। देखो जी बाहर का दृश्य बहुत बढ़िया, पक्षियों की चहचहाट। निकल रहे हैं बाहर। अब एक इधर पहाड़ी है जहाँ करणी देवी का मंदिर है, उस पहाड़ी से उदयपुर बहुत अच्छा दिखता है, वहाँ जाएंगे।